हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, बात करते हैं कि जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें आपको तुक्के लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, ठीक है। एक्यूरेसी मैटर करेगी या नहीं करेगी नॉर्मलाइजेशन पर। आपको पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस चीज़, क्योंकि पहली शिफ्ट आपकी ऑलमोस्ट चल गई है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा व्यस्त था मैं इसलिए। उससे पहले एक बात बता दूँ, जैसे ही यूपीएससी का पेपर होगा आपका 12 नवंबर, क्योंकि आपका पेपर चल चुका है, तो 10:30 बजे से एग्ज़ाम पूर्व पर आपके विवेक सर आपका पूरा एनालाइज कराने वाले हैं एग्जाम का। अब देखो, जिस बंदे ने एग्जाम निकाला है उससे अच्छा एनालाइज तो कोई नहीं करा पाएगा पूरे यूट्यूब पर। अब विवेक सर भी हैं इसमें, देखिए मोहित सर भी हैं, मोहित सर ने भी एग्जाम निकाला है, तो दो टीचर तो आपके यूपीएसआई के हैं ही हैं। तो फर्क इतना हो जाता है, देखो टीचर सब होते हैं, पर जो बंदा एग्जाम पहले वो निकाल चुका है उसको थोड़ा इस बारे में ज़्यादा पता है। आपको दो चार बातें वो फालतू बता देंगे कि भाई आपको अब फिलहाल इस किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आगे किन टॉपिक से आने एक्सपेक्टेड है, और दूसरी बात अब आपको क्या करना चाहिए। तो जो दो तीन चार चीज़ें होती है ना, दो तीन चीज़ें जो भी हैं मेनली, वो वही बता सकता है जिसने वो एग्जाम निकाला है। तो यूपीएसआई में जो विवेक सर की भी रैंक थी, और यूपीएसआई में आपका जो है 2017 वाले में मोहित सर की भी अच्छी खासी रैंक थी, तो दोनों सब इंस्पेक्टर आपके चयनित हैं, तो भाई इनसे अच्छा तो कोई नहीं बता पाएगा। तो 10:30 बजे आपका जो है आज 10:50 पर, सॉरी 10:50 पर शिफ्ट वन का एनालाइज होगा, और जितनी भी आपकी शिफ्टें होंगी एग्जाम पूर्व पर सभी जो है एनालाइज होंगी। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आपका मैं इसका कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां पर जाकर इसका जी भैया आपका रिमाइंडर ऑन कर लेना, ठीक है ना। अभी पब्लिक वो वीडियो चलेगी नहीं, क्योंकि 10:50 पर लाइव होगा वो। अगर आप पहले जा रहे हैं उस इवेंट पर, तो उस पर एक ऑप्शन आता है रिमाइंडर टाइप का कुछ ऐसा ही, उस पर क्लिक करोगे तो जब वो इवेंट चलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वो, ठीक है, जाके जरूर देखना, ठीक है। विवेक सर इसका खुद एनालाइज कराएंगे। खैर छोड़िए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें, डिस्क्रिप्शन में और भैया कमेंट में। अब देखिए, जो बात है तुक्कों की, सबसे पहली बात 160 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं ले लूँ उसको, समय बर्बाद आपका नहीं करूंगा। पहले बच्चे तो हुए होंगे जिनके 80 से 85 क्वेश्चन अपने हो रहे होंगे, तो मैं तो उनको यही कहूंगा जिसके 80 से 85 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं पेपर में, तो आप कुछ मत करना, पूरे तुक्के लगा देना 100% पर, क्योंकि आपके पास फिर खोने को कुछ भी नहीं है। अगर आप 80 से 85 ही स्कोर कर पा रहे हो अपने उसमें एग्जाम में यूपीएसआई के में, तो आप ये मानो कि आपका सिलेक्शन लगभग लगभग खत्म है, आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं, तो फिर तो आप ये समझिएगा कि 160 के 160 पर तुक्के मारिएगा और अपनी किस्मत के सहारे अपना सिलेक्शन छोड़ के आ जाइएगा आप। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 90+ स्कोर करेंगे, 90 से 95 के बीच में स्कोर करेंगे। अब देखो, 90 से 95 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब आपको मेरिट लगेगी तब देखिए, अभी कोई 105 पर बता रहा है, अभी कोई 110 पर बता रहा है, वो सब एक अपना आइडिया देते हैं, उनकी कोई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर जब आप एग्ज़ाम का लेवल देखोगे ना, एग्ज़ाम का लेवल, तब आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात तो जैसे ही आपकी शिफ्टें खत्म होती रहेंगी, मैं हर शिफ्ट वाइज आपको ये बताता रहूंगा कि इस शिफ्ट के हिसाब से इतनी कट ऑफ जा सकती है, इस शिफ्ट के हिसाब से इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, जितनी भी आपकी शिफ्ट होंगी हर शिफ्ट की मैं आपको पेपर का एग्जाम प्रॉपर जो एनालाइज करा रहे हैं उसका पेपर का लेवल देख के मैं आपको एक लगभग लमसम लमसम कट ऑफ बताऊंगा कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, सभी शिफ्ट का मैं थोड़ा बहुत मैं भी आपको कट ऑफ एनालाइज करके दे दूंगा। पेपर एनालाइज भैया आपका एग्जाम प्रॉपर ही होगा, तो आप एग्जाम प्रॉपर जाकर देख लेना। तो बात करें इनकी, जो 90 से 95 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, जो 90 से 95 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, तो भाई एक ही चीज़ कहूँगा मैं, आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आपके 90 से 95 हो जा रहे हैं और फिर आप एक बार को और नज़र लगाओगे तो 50-50 वाले आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50-50 वाले। और मान लो आपने ये आपको 100+ भी कर दिया उससे बाद में, तो भैया फिर जो बचेंगे आपके मात्र जो बचेंगे 60 क्वेश्चन आगे के, उस पर आपको पूरा तुक्का नहीं लगाना है, वरना आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। मतलब मेनली बात यह है कि जिसके अगर 95+ या 90+ किसी का हो रहा है स्कोर, 95 के करीब जा रहा है, तो वो बाद में सिर्फ उस पर तुक्का लगाए जिसका आपको 50-50 हो, ठीक है ना, और जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये इसका हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर आप तुक्का मत लगाना। एक्यूरेसी का बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, आप देख लेना, इक्विपर्सेंटाइल मेथड बहुत फर्क डालेगा। और अभी क्योंकि यूपीएसआई का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसका भी कोई जजमेंट नहीं आया, नॉर्मलाइजेशन की कोई क्लियरिटी नहीं हुई है, ठीक है ना। पिछली बार ऐसा भी देखने को मिला है, एक शिफ्ट में किसी को 30 नंबर मिले हैं तो किसी को 20 नंबर भी मिले हैं, किसी के रोमार्क्स भी कटे हैं। और ये नहीं है स्टार्टिंग वालों के, 12 तारीख का जिसके 12-13 तारीख का जिसका पेपर था उनके भी रोमार्क्स कटे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो 12-13 वालों को नॉर्मलाइजेशन भी मिला है, तो फिर कहाँ पे ये खेल हुआ, नेगेटिव तो थी नहीं भाई। तो सारा खेल था एक्यूरेसी पर,
जो लमसम लमसम क्लियरिटी अभी जमी होगी जब जजमेंट आएगा उसका, जो यूपीएसआई का केस चल रहा है, और 14-15 नवंबर तक उसका जजमेंट शायद आने की उम्मीद है। ठीक है, तो बात मेरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुक्के सिर्फ वो मारना जो 80 से 90 के लपेट में जा रहा हो, मतलब 80 से 85, सॉरी 80 से 85 अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं एग्जाम में, तो भैया फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप पूरे 160 के 160 पर जितने भी आपके बाकी के क्वेश्चन बचेंगे सब पर तुक्के मार देना, और भैया आकर अपने किस्मत का वेट करना कि आपकी किस्मत कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है। पर जो लोग 95 और 100 के बीच में आ जाते हैं उसके बाद में भैया आप उस पर तुक्के मारना जिस पर आपको 50-50 हो, आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, 50-50 भी हो ये लगे, सबसे बड़ी बात है लगे कि हाँ ये हो सकता है, जिस ऑप्शन को आपको आपको अता पता है ही नहीं चारों ऑप्शन का, जिसका चारों ऑप्शन देखकर आपको लग रहा है कि पता नहीं इसका क्या है, तो भाई उस पर तुक्का मत खेलना। ठीक है, और जो ये बी और सी वाले बता रहे हैं ना कि ज़्यादातर बी और सी ऑप्शन होते हैं, तो भैया ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आजकल एग्जामिनर आपको पता है पैट के पेपर में किसी में शिफ्ट में ए ज़्यादा थे, किसी सेट में ए ज़्यादा थे, किसी में डी डी ज़्यादा थी, अब बताओ आप कैसे कहोगे। एक ए आ रहा था आपका क्या 40% के करीब एक सेट में, तो ये जो बी और सी वाली है ना बात, बी और सी वाली बात एग्जामिनर को पहले ही पता है कि बच्चा अगर तुक्का मारेगा तो बी और सी पर ही मारेगा, ये कोई नई बात नहीं है और ये कई सालों से चली आ रही है बात, तो ये एक पूर्व धारणा बन चुकी है। ठीक है ना, आपकी भी और एग्जामिनर की भी, तो एग्जामिनर उसी तरह से ऑप्शन सेट करेगा। यूपीएसआई का एग्जाम है, कोई हलवा नहीं है कि आपको बी और सी दे देगा और आप बी और सी पर तुक्का लगाओगे आपके 10 10 सही हो जाएंगे, 20 सही हो जाएंगे। बैठ के किसी किसी सेट में ए के जो परसेंटेज था वो 40-40% के करीब था, और ए पर ज़्यादातर कोई तुक्का नहीं लगा था, सबको क्या दिमाग में है कि बी ऐसी होगा तो बी और सी पे तुक्के लगाते हैं पब्लिक। तो जितने लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से तुक्का लगाओ उस तरीके से तुक्का लगाओ, भाई अपना नाश मत कर लेना। ठीक है, जो 100 के लपेट में जा रहा है बच्चा 50-50 लगा लेना उसके बाद में, या फिर जिसका आपको लगे अपने मन से, अपना आपका दिल कहे, क्योंकि आप अगर आपका दिल कह रहा है आपका मन कह रहा है तो आप इसका मतलब ये है कि आपने वो क्वेश्चन पहले पढ़ा है, तो उस पर आप तुक्का खेल सकते हो जिसको आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो, और जिसका आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा ना हो, जिसका कुछ अता पता ही ना हो, अता पता ही ना हो, तो भैया उस पर आप बिल्कुल भी टिक मत करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सिलेक्शन के नज़दीक पहले ही आ चुके हो, 100 के करीब अगर आपके क्वेश्चन हो चुके हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब आ चुके हो, उसके बाद में अगर आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम आपके साथ होगी। और कोई यूट्यूबर कोई कुछ कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, आप 2017 को ले, हमें क्या मतलब कि IBPS में क्या हो रहा है, SSC में क्या हो रहा है, हमें अपने UPSI से मतलब है। तो UPSI की जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है अभी उसका तो जजमेंट ही नहीं आया है, जजमेंट ही नहीं आया है भाई, तो अपना करियर ख़राब मत कर लेना। सिलेक्शन के अगर आप 100 के आसपास हो तो सिलेक्शन के आप नज़दीक हो, उसके बाद में 50-50 देख लेना, आपका मन करे वो उसको देख लेना, जिसका था पता हो मतलब वो मत करना, और जिसका भाई पेपर का नाश ही हो चुका है जो 80 से 85 के बीच में ही है, अगर आपके 80 से 85 हुए हैं तो उससे बाद में अगर आपको कुछ भी नहीं लग रहा कि मुझे कुछ नहीं आता, तो फिर तो भाई आप 160 के 160 कर आना, क्योंकि 80-85 पर तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, 80-85 क्वेश्चन अगर आपके हुए तो आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना भाई, तो अगर आपके फिर तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बच जाएगा 160 160 के तुक्के मार दो जो आपको सही लगे। पर जो 100 के करीब पहुँच रहा है बच्चा, सीधी सी बात है मोटी मोटी 100 के करीब अगर आप पहुँच चुके हो तो उसके बाद में 50-50 या जिसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तुक्के बेवजह के मत मारना वरना पछताओगे। ठीक है, तो जैसे भी आपकी शिफ्ट खत्म होती रहेंगी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता रहूँगा कट ऑफ का कि भाई इतनी कट ऑफ इसकी रह सकती है इतनी नहीं, और एग्जामपुर पे जाओ। ठीक है, एग्जामपुर पे आज की नहीं जितने भी आपके एग्जाम होंगे सबका सभी एग्जामों का एनालाइज होगा एग्जामपुर पे। ठीक है ना, जितने भी आपके होंगे एनालाइज होगा सभी क्वेश्चन पेपर का, उसमें विवेक सर आपको ये भी बता देंगे कि भाई ये हमारा आइडिया है इस टाइप का ये पेपर है। ठीक है भाई साहब, कि इस टाइप का ये पेपर है इस टाइप का ही हो सकता है, और आपको भाई विवेक सर हो मोहित सर हो इन्होंने UPSI का एग्जाम निकाल रखा है तो 2-4 बात इनको पता होगी फालतू। ठीक है, और टीचरों से तो बेहतर पता होगी क्योंकि जो बंदा उस एग्जाम में बैठा है जो उस एग्जाम को क्रैक कर चुका है तो उसे बहुत चीज़ें पता होंगी। ठीक है, इंदर धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।